जेएनयू कैंपस के अंदर 17 जनवरी की रात को पीएचडी की छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अच्छे दुलैया के रूप में हुई, जो कि बंगाल का रहने वाला है। बसंत कुंड नॉर्थ थाने की पुलिस की टीम ने इसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ एटीएस स्पेशल स्टाफ जो है इस पूरे काम में लगा हुआ था और दोनों ही टीमों ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने कि 17 जनवरी की रात पीएचडी की छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश करी और उसका फोन लेकर फरार हो गया था। काफ़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये मुनिरका में रहता था और 17 तारीख को इसने शराब के नशे में जो है पीड़िता के साथ रेप करने की कोशिश करी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करी और उसका मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। लगातार जेएनयूएसयू की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और उस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 17 तारीख की रात को बसंतपुर नॉर्थ थाने के इलाके में एक हमें पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें यह पता लगा था कि एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है, जो जेएनयू की छात्रा है। उसी समय मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर तुरंत पहुँचा, मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए, और उसी समय से हमने अपनी तफ्तीश जो है दिन रात जोरों पे करी और आज हमें उसके में सफलता मिल गई। इसके अंदर जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है और पूरे केस का खुलासा हो गया है। आरोपी का नाम अक्षय दौलाई है, इसकी उम्र 27 साल है और ये मूलतः 24 परगना वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर ये मुनिरका के अंदर किराए के मकान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था और ये एक भीकाजी कामा पैलेस में एक दुकान है जिसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग और सिम कार्ड बेचने का ये काम करता है। जिस दिन ये वारदात घटित हुई है उस दिन शाम के समय में इसने अपने दुकान बंद करने से पहले अपने दुकान का जो मालिक है उसके साथ में पहले ड्रिंक करी। ड्रिंक करने के बाद में ये बाहर निकला। उस दिन ड्रिंक करने का कारण ये रहा कि इसकी जो वाइफ है उसके साथ सुबह इसका एक काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और झगड़े में अपनी जो इसकी वाइफ थी वो नाराज़ होके अपने मायके चली गई थी। उस बात से ये काफ़ी अपसेट था, काफ़ी डिस्टर्ब था और रात के समय में जब ड्रिंक करके इसका मालिक चला गया तो इसने अपने आप को और नशे में करने के लिए एक बियर की बोतल बाहर में ली। उस बियर की बोतल को इसने पिया और जेएनयू की तरफ ये चला गया। जेएनयू में जाने का जो इसका रूटीन था वो काफ़ी कैजुअल था। 2011 में ये दिल्ली में आके बस गया था और 2011 से लेकर 2015 तक ये टिकट बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन कराने का काम करता था। डेली बेसिस पे जेएनयू के अंदर जो टिकटिंग काउंटर है उस टिकटिंग काउंटर पे इसका रोज आना जाना रहता था और उसी के चलते जेएनयू के अंदर की हर गली हर चप्पे से ये वाकिफ था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन रात में जब ये शराब के नशे में निकला है तो इसने 3 लड़कियों को जेएनयू के गेट के अंदर जाते हुए देखा और उस समय क्योंकि ये शराब के नशे में था तो उन लड़कियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करने के इरादे से ये उनका पीछा करते हुए अंदर घुस गया। वो लड़कियां अपने हॉस्टल में चली गई। उसके बाद जो जेएनयू की इंटरनल सर्कल जो अंदर की जो सर्कल वाली रोड है, रिंग रोड जिसको बोला जाता है जेएनयू के अंदर की, जो एडमिन ब्लॉक और जो मेन ब्लॉक और जो मेन पूरी की पूरी पेरिफेरी को कवर करती है वहां पे इसने घूमना शुरू कर दिया। उसी समय एक जो ये जिसके साथ ये लड़की के साथ जो वारदात हुई वो लड़की वहां पर जॉगिंग करते हुए आई। जॉगिंग करते हुए अकेली लड़की को देख के इसके अंदर जो ये क्राइम करने की इच्छा थी और प्रबल हो गई। इसने साइड में अपनी स्कूटी खड़ी कर ली, एक सफ़ेद रंग की स्कूटी में था, वो स्कूटी इसकी अपनी है और वो स्कूटी भी हमने बरामद कर ली है। ये उस लड़की की ताक में वहाँ पे निशाना लगाने के लिए कोने में खड़ा रहा और ये देखना चाह रहा था कि ये लड़की दौड़ती हुई भागे कहाँ जाए। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि वो लड़की ईस्ट गेट वाली रोड की तरफ मुड़ गई है जो कि काफ़ी सुनसान रहती है। उसी इरादे से इस लड़की का पीछा करते हुए ये ईस्ट गेट की रोड पे मुड़ा और वहाँ पर एक सुनसान जगह देख के इसने उस लड़की को रोका। उस लड़की को ये भ्रम हुआ कि शायद ये लड़का उससे कोई रास्ता या कोई और ऐसी चीज़ पूछना चाह रहा है तो उसी बात को लेकर वो भी लड़की रुक गई।
उसके बाद इसने उसके साथ में अपनी दुष्कर्म की इच्छा जाहिर करी और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस पे लड़की ने रिजिस्ट किया। इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई, उस हाथापाई में इस लड़के के पैर में चोट भी लगी। तुरंत लड़की ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के पुलिस को फोन करने की बात कही। उस बात से ये घबरा गया और इसने उस लड़की का मोबाइल तुरंत छीना और वहां से अपनी स्कूटी लेके ये फरार हो गया। इस मौके पे हमारी टीम के पास उस समय कोई भी क्लू नहीं था। लड़की बहुत ज्यादा शौक में थी, रात में हम सब गए, हमने बहुत ही अपनी तरफ से उसको लड़की को कॉन्फाइड करने की कोशिश करी। मैंने खुद भी जो उस जगह की वार्डन थी उनके प्रेजेंस में उससे बात करी, पर लड़की काफ़ी शौक में थी, उसको रिलैक्स करना भी हमारे लिए चैलेंज था। हमारी तफ्तीश जब शुरू हुई तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आई। उन चुनौतियों में सबसे मुख्य चुनौती ये थी कि सबसे पहले तो जो गेट के वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करने का हमारा वहाँ पर देखा, तो रजिस्टर के अंदर जो मोटरसाइकिल आ रही थी जा रही थी उनकी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एंट्रीज रजिस्टर हमें नहीं मिली। ये हमारे लिए पहली चुनौती रही। दूसरी चुनौती हमारी ये रही कि कोशिश करी उन फुटेज के अंदर भी जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर था वो बहुत ही एवरेज और बड़ा ही न्यूट्रलाइज सा था, उसमें भी कुछ भी क्लियर दिख पाना बहुत मुश्किल था। इसी चीज़ के सिलसिले में जो और जैसे एक साथ ही साथ में जो JNSU की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन हो रहे थे वो भी हमारी चुनौती को और अग्रसर कर रहे थे। उस दिन से हमारी टीम ने ये बात का संकल्प ले लिया कि हम तभी सोएंगे जब इस केस को हम वर्कआउट कर देंगे। इसी मुहिम के अंदर 1000 से ज़्यादा कैमरे हमारी टीम ने खंगाले और उसका टेक्निकल सर्वेलेंस करते हुए पूरे के पूरे टाइम एनालिसिस के साथ उसे कोलेरेट करते हुए उन स्केरी फुटेजेस से हमने इस पूरे के पूरे इस लड़के के रूट को डेवलप किया। इसके बाद हमने जब ये पूरे के पूरे कैमरे खंगाले तब जाकर हमारे पास ये जानकारी निकल के आई कि इस लड़के ने जब ये वारदात करी तो स्कूटी से ये हड़बड़ा के नॉर्थ गेट से बाहर निकलने की जगह जो वेस्ट गेट है JNU का वहीं पे से इसने अपनी एग्जिट करी JNU से और निकलने के बाद ये लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट मुड़ने के बाद जो नेल्सन मंडेला मार्ग है क्योंकि ये सड़क रात के समय काफ़ी खाली रहती है तो उसी चीज़ को सुरक्षा में हमने मद्देनजर वहाँ पर दोनों सड़क पिकेट लगाने का हमने प्रोग्राम शुरू कर रखा है। हमारी दोनों साइड पिकेट होती हैं। हमारी पिकेट को देख के ये लड़का विचलित हो गया। वहाँ पे 3 मिनट इसने सड़क के ऊपर गाड़ी रोक के रखी अपनी स्कूटी, वो भी हमने इसकी पूरी की पूरी चीज़ रिकॉर्ड कर ली। और वहाँ पे से इसने रॉन्ग साइड से यू टर्न लेके पीछे आके साइड से कट लेके अपना जो टुवर्ड्स रिंग रोड की तरफ जो सड़क जा रही है जो DCP ऑफिस के आगे से निकलती है उस सड़क से इसने फिर अपनी स्कूटी घुमाई और आगे से राइट होके ये रिंग रोड पे निकल गया। अब रिंग रोड से हमें जितने भी आगे साउथ दिल्ली तक के कैमरे थे उसमें हमने सारे के सारे कैमरे ट्रेस करे, तभी इसका हमें रिवर्स रूट पता लगा और फाइनली हमने इसकी लोकेशन जो थी वो मुनिरका के अंदर ट्रेस करी। उस वारदात की रात में इसने जो कपड़े पहने हुए थे वो लड़की ने हमें डिस्क्रिप्शन में 2 दिन बाद जब हम उसे नॉर्मल कंडीशन बात कर पाए वो उसने बताया, वही डिस्क्रिप्शन के कपड़े भी आज हमने देखा। हमारी टीम ने वहाँ पर कैमरे के साथ में फुटेज के साथ में और सारी टेक्निकल सर्वेलेंस के साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि ये लड़का यहाँ पे रहता है और हमारी टीम ट्रैक पे थी। उसी समय ये हमारी टीम के ट्रैक के सामने ही कहीं से स्कूटी चलाकर आया, इसने स्कूटी लगाई और ये अपने उसी घर में रुक गया, जाके अंदर घुस गया जहाँ पर ये किराए पर रहता था। पीछे से हमारी टीम घुसी है और हमने जब इसको रेड करके पकड़ा तो इसके पास से वो लड़की का छीना हुआ मोबाइल, वो कपड़े जो इस लड़के ने उस दिन वारदात के दिन पहने हुए थे और वो स्कूटी जो इस वारदात के लिए इसने इस्तेमाल